भीगी भीगी रातों में फिर तुम आना, ऐसी बरसातों में आना। हो ऐसी बरसातों में आना, काश मैं ये मौसम आपको इस कैमरे के थ्रू ठंडी हवा और वो भी पहुंचा सकती, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है आज। अच्छा जी, अभी मैं अब निकली हूँ, दो दिन तीन दिन से जो काम करना था ना मैंने वो अभी करने ले जा रही हूँ। कुछ गोटा लेना था, मैंने आमिर एफ टेन जाना है, गोटा लेना था और लेना था कुछ बटन्स लेने थे, वो जो चिकन वो जो मैंने गोटे वाला सूट दिया था वो तो वो फिर, लेकिन क्योंकि मैं ज़रा कुछ ठीक नहीं फील कर रही थी तो मैं नहीं निकली। मुझे ये होता है कि जब फुल एनर्जी से और जब मैं अच्छी तरह आप लोगों से बात कर सकूं और रिकॉर्ड कर सकूं तब मैं रिकॉर्ड करूं, और अगर वो एनर्जी अभी फ़िलहाल मेरे में ना हो तो मैं रिकॉर्ड ना करूं, ताकि वो फिर स्क्रीन पे ना पता चलता है कि कोई इंसान की तबीयत नहीं ठीक है। तो रास्ते के मैं डॉग्स को देख रही, सो रहे हैं। अच्छा तो आज बस अब निकली हूँ मैं, शाम का टाइम है, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, साथ मेरे इरशाद है, इरशाद को आज लेके जा रही हूँ, बहुत दिन से बाजार नहीं गई तो आज इसका जाना बड़ा ज़रूरी था मेरे साथ। ये है वो ब्लाउज़ जिसको मैंने ठीक होने को देना है, और साथ में है ये शर्ट, इसको इसका अभी मैंने क्या उसे कहते हैं प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, ये जब मैं ट्राई करूँगी फिर देखूँगी कि क्या करना है इसके साथ, मगर ये ब्लाउज़ है और बटन्स लेने हैं। वैसे तो उसकी उस तरफ से मैं आती हूँ, लेकिन आज शायद ये ले लें ब्लाउज पकड़ लो साथ। दिन के बाद आ रही हूँ, वैसे इनके पास सारी जामावार और बहुत कपड़ा होता है, पहले मैं बहुत ही आती थी, अब मैं F10 अभी तक कपड़े भी नहीं सिलवाती, F10 ही जाती हूँ ज़्यादातर, सॉरी F7 वाला जो है ना। थैंक यू जी। क्या है वेलवेट्स आ गई, यानी प्योर वाली है ना? प्योर ये चाहिए बुक होने की। अच्छा ये वाली प्योर है, और किस तरह यार्ड है ये? अब ये 3,828 का यार्ड, और कितने कितना लगता है सूट पे? मैं तो ये भी भूल गई, 5 गज। ठीक है, ये भी प्यारा है, ये दुपट्टा और शर्ट्स है। हाँ ये जामावार प्योर वाली है, ये वाली सारी ये जामावार प्योर वाली है जी। ये सब कौन सा जी? मैं हूँ ये सिल्क पर हमारा ब्लॉक प्रिंट, और ये कितने कितने के हैं आपके? ये डिफरेंट प्राइसेस हैं, 18,500 से लेके 28,500 डिफरेंट प्राइसेस में आ जाते हैं। 18 से रेंज शुरू है। अच्छा 60 की रेंज तक। और ये चुनरी के दुपट्टे भी हैं नीचे जी, 40,000 45,000, तो और अच्छे लग रहे हैं। ये बेटा सर्दियों वाला है मटेरियल, और कितने का है ये? आपको मिलेगा 5,500। ये क्या है? ये कतान, इसी में 3 पीस। अच्छा अच्छा, और कितने का है 3 पीस इसमें? ये इनका यहाँ पे पीछे डाई भी हो रहा है, और ये सारे दुपट्टे और ये सारा कुछ ऊपर चलते हैं। शायद तुम आई हुई ना मेरे साथ पहले दिन, खजे की शादी के दिनों में, सारा प्लेन इधर और थोड़ा सा मिक्स लाइनिंग्स और मैचिंग शमीज़ें वगैरह, ये है जो यहाँ से अब हमने लेने गोटे आपको सारे।
थोड़ा सा चौड़ा चाहिए। कलर ये दिखा दे, कॉपर सा कलर, कलर 19-20 हो भी जाए तो खैर है, दो तीन दिखा दे तो मैं देख लेती हूँ कौन सा चाहिए मुझे। चौड़े वाला सा चाहिए, नहीं प्लेन, प्लेन वो देखिए उस तरह का प्लेन जो ऊपर पड़ा हुआ, ये नहीं साजो खुला हुआ है, नीचे 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 ये साजो खुला हुआ है, ये वाला चाहिए। ये भी यहाँ पे मैंने इतने सारे दुपट्टों पे लगाए हुए थे, ये जो आपके हाथ में है ये दोनों दिखा दें मुझे। काम नहीं चाहिए, ये भी मुझे वैसे ठीक लग रहा है, मगर ये भी पलट के ना बहुत थिक हो जाएगा। उधर एक ट्राई और करती हूँ, टिप्स है इधर कहीं भी शर्ट्स पे या कहीं या वट एवर जहाँ भी आप लगाना चाहें, गले भी बने हुए हैं काम वाले, ये बटन्स हैं जो आपके भी अंदर बड़े लोग होते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला है वो, एक नीचे पड़ा हुआ है जो सबसे नीचे साथ में, ये जो वाली मेरी शर्ट है मुझे उसके ऊपर ना कुछ कुंदन वाले बटन चाहिए, जैसे कुंदन हो उस टाइप के। मेरा काम खत्म करा दो, ये सारे गोटे इधर है ना, ये वाले गोटा भी है इसमें, वो दूसरी काम वाली, हाँ काम वाली जैसे इधर, हाँ ये भी चल सकती है काम। घर खाना तो वैसे घर के अच्छा लगता है, मैं कुछ खा के नहीं आई वहाँ से, तो वापस आई हूँ तो मैं दिखाती हूँ क्या बना हुआ है आज हमारे घर। कोफ्ते, जी मैं वहाँ पे डायर से मैंने कपड़े वगैरह लिए हो गए थे मेरे डायर, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बना सकी, उसकी वजह ये थी कि उसने साथ ही गलत डायर कर दिया। वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, जो मेरा रॉसल का, जो मैं बता रही थी कि मेरी शादी पे मेरे फादर के फ्रेंड ढाका से लाए थे सूट, वो अब मैं सिलवा रही हूँ बहुत दिन के बाद, बहुत दिन नहीं सालों के बाद अब बनवा रही हूँ। तो उसके अंदर दो तरह के थ्रेड्स हैं, लाइक शॉकिंग पिंक जो कपड़े का ताना बना होता है ना, एक शॉकिंग पिंक और एक था बिल्कुल पर्पल सा, तो वो पर्पल मैंने डाई करने को कहा था, लाइनिंग उन्होंने शॉकिंग पिंक ही कर दी, तो वो सही करेंगे। जो ब्राउन सलवार थी वो भी उनको कहा है ठीक करके, वो खुद ही मां साहब को दे देंगे अब। तो खाना लेती हूँ मैं, ये रख दो शादी में, देखो ब्लाउज भी ठीक होने को दे दिया, वो भी मैं इधर ही बेटा इधर ही रख। जहान फिर के आई हूँ और अब दिखा रही हूँ कपड़े मेरे, सरस्वती नाज का कुर्ता था जो मैंने आज पहना हुआ था, दूसरा मैंने चेंज किया है, ये मैंने यहाँ पे टीवी को कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ी बहुत चेंजेस किए, ये भी शादी एक साथ थोड़ा सा सेट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं खाना खा, मेरी प्लेट है इस वक्त खाने की बिल्कुल, थोड़े से चावल हैं और दो कोफ्ते हैं। बताने का मकसद ये कि जो वेट लॉस की मैं बात कर रही थी कि हम लोग एक साथ जर्नी स्टार्ट करें और कुछ थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, घर के बने हुए कोफ्ते हैं और ये कोफ्ते हैं मटन के, मटन का कीमा था उसके बनाए थे मैंने, बनवाए और रेसिपी वही है जो पहले शेयर की हुई है, और थोड़ी सी बॉयल्ड राइस है, और अब पहले खाना खाऊं फिर बात करूं। जी नुमान एजाज का निकाह हो गया है, शादी कर लिया उसने, क्या नाम है लड़की के साथ दिया, बिस्मिल ड्रामे की बात हो रही है उसके साथ, तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी इसकी वाइफ अपने हस्बैंड को लेके। दिखाने में ये लगी थी कि मैंने नीचे अपना ये वाला एक सेटिंग थोड़ी सी चेंज की, ट्रंक लाउंज में ले गई हूँ और ये अपना जो काउच है यहाँ पे ले आई हूँ, और इस तरह से अपनी टीवी वॉल मैंने डेकोरेट किया, बहुत ही गंदा मेकअप आ रहा है इसका। वैसे प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट होने वाला है ना, वो ये भी मेरी इंडियन शर्ट ही एक है, गंगा जमुना, और ये भी एक लाहौर की डिज़ाइनर है, ये उनसे ली थी,
चारी सवेरा इतना तैयार हुई हुई है, नया रेड सूट पहन के और रेड लिपस्टिक लगा के, मगर बेचारी लाइट जी वाला अपना लैम्प तो ऑन ही नहीं किया था। अब ऑन करके आपको सारा अपना ये वॉल दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने रूम इसको डेकोरेट किया है। शोर शराबे से जरा सी जान छूटे सबकी। अच्छा जी, ये मेरी शर्ट है, बहुत प्यारी, और ये सारा का सारा इस पे ये हाथ का काम है सब कुछ। और इसके साथ अब एक्चुअली तो इसके साथ ना वो था शरारा टाइप था, अब मुझे ही समझ आ रही मैं साथ क्या बनवाऊँ, देखती हूँ मैं क्या बनवाती हूँ। और लेकिन कुछ मैं वेलवेट टाइप का ही बनवाने लगी हूँ। ये भी इंडियन है और ये गंगा जमुना रेंज थी वहाँ पे लाहौर में एक डिज़ाइनर लिबर्टी में, उनका नाम मुझे एक्चुअली वैसे याद भी नहीं है और कुछ इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि बताऊँ, क्योंकि अब शायद ये वैरायटी उनके पास ना भी हो। इस चीज़ बहुत साल पहले की है, 2016 में लिया है मैंने, ये 8 साल हो गए इसको। तो इसके साथ वो जो पैंट्स थी फ्लेयर खुली वाली वो तो अब नहीं है, तो इसलिए अब मैं इसको सादिया ने ना इसका बहुत जायज़ा ले लिया, मेरी नहीं देख ली वीडियो कैसी बनी है। अच्छा ये मैं करीब से दिखाती हूँ बाबू, 8 साल से ये देखिए सब इसमें ये पता नहीं कौन सा काम इसको वो बोल रहा था, क्या पता नहीं हैमर वर्क भी था इसमें और इस तरह से ना ये देखो, शक ना करो यकीन कर लो सब हाथ का सादिया। प्यारा बहुत है माशाल्लाह, वजनी भी है। सादी को ना हर चीज़ वजनी का वो होता है, भाजी ये वजन का है तो ये अच्छा होगा। कि मुहिम पे चलूंगी कि इसको ठीक करवाऊंगी सिलवाऊंगी, क्योंकि आगे इतनी सारी शादियां हैं ना, तो शादी के दिनों में आपके पास कोई टाइम नहीं होता, आप निकल के जाएं और जाके चीज़ें वीज़ें लें और वो सब बाजार जाते हुए फिर टाइम लग जाता है। आज तो मैं हैरान रह गई थी जितना रश था लेस शॉप में, इतना रश था जिसकी कोई हद नहीं। सादिया सिर्फ उस ड्रामे में इंटरेस्टेड है, वैसे तो अच्छा ड्रामा है। दुनियापुर मैंने देखा, उसके बारे में जरा बात करूंगी मैं, एक दो और बातें करूंगी, लेकिन एक मिनट जी। दुनियापुर किस किस ने देखा मुझे बताइएगा, कैसा लगा आप लोगों को? मैंने तो अभी तक फैसला किया कि मुझे तो नहीं देखना दुनियापुर, क्योंकि इतनी मार धाड़, इतना दो कबीले उनमें लड़ाई, बस कर दें अब कुछ नई बात वो कर लें। इतना ही बनाने का शौक था तो मूवी बना लेते तो अच्छा होता, जिनको अच्छा लगा है तो आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। अच्छा जी, बात यह है कि बाज़ार जाती हूँ मैं, छोटे छोटे काम बहुत सारे करती हूँ, आती हूँ वापस, कभी कोई काम नहीं होता, सिर्फ वैसे घूम किसी से मिलने भी जाती हूँ, आना जाना लगा रहता है। लेकिन मैं ये देख रही थी कि स्कूल खुलने के बाद से ना बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई हुई है। तो अगर कोई लोग एक स्ट्रीट में रह रहे हैं और सबके बच्चे एक जगह पे जा रहे हैं तो कारपूल कर लेना इज़ अ वेरी गुड आइडिया, पेट्रोल भी बचेगा, आपके एफर्ट्स भी बचेंगी। तो दिन में एक दो दफ़ा इस तरह से अगर इंसान कर लेना, कोई पिक कर ले और एक बंदा ड्रॉप कर दे, या दो दिन एक ड्यूटी कर लें दो दिन एक, तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, सोचिएगा इसके बारे में। और एक और बात जो छोटी सी मैंने एक बात कहनी थी कि जो भी कोई एनिमल्स, जो भी अल्लाह ताला ने जो भी जानवर बनाए हैं, देखें वो कोई पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, हम लोग इंसान बहुत फैला रहे हैं, प्लास्टिक के बैग्स और इतना कुछ के जिसकी जो अब बेचारी ज़मीन थक गई है, रोज़ाना कितने करोड़ों बैग्स बन रहे हैं और करोड़ों यूज़ हो रहे हैं। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, पानी कम यूज़ करें, सिर्फ ज़रूरत का जो है वो यूज़ करें, तो एक तरह से नेकी होगी ये भी आने वाली नस्लों पर। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे।